हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS Flexbox कोर्स से रिलेटेड फिफ्थ ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप अलाइन आइटम्स के बारे में सीखेंगे। अलाइन आइटम से हमारा मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट से है। यहाँ पर हमारे पास इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच और बेस लाइन। अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं वो तो टॉप पे रहेगा, अगर हम फ्लेक्स एंड करते हैं तो वो वर्टिकल अलाइनमेंट एंड में आ जाती है, और सेंटर करने से वो सेंटर में हो जाती है, और स्ट्रेच जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्ट्रेच ही होती है, और एक नई वैल्यू है जिसका नाम है बेस लाइन। तो आइए देखते हैं इसमें प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जो फ्लेक्स कंटेनर है एक्चुअल में, और इसके अंदर अलग अलग फ्लेक्स आइटम्स आ रहे हैं चार। यहाँ पर ऊपर देखिए, हमने यहाँ पर इसे डिस्प्ले फ्लेक्स बना के फ्लेक्स कंटेनर बना दिया है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अपनी नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स के अंदर हमारे पास जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच। देखिए, मैंने सेव किया और यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। एक्सेल में ये वर्टिकल अलाइनमेंट में काम करती है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंटेनर को हाइट देनी होगी। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने हाइट दे दी 400 पिक्सल। ये देखिए, ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं भी लगाऊंगा तो भी ये स्ट्रेच ही होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है अलाइन आइटम्स की वो स्ट्रेच ही होती है। तो यहाँ पर अभी तो मैं स्ट्रेच दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर देता हूँ इसकी पहली वैल्यू जिसका नाम है फ्लेक्स स्टार्ट। ये देखिए, फ्लेक्स स्टार्ट लगाने से यहाँ पर जो इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट है वो टॉप में हो गई है, स्ट्रेच हट गया है और सारा जो फ्लेक्स आइटम्स है वो टॉप पे चले गई हैं। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ फ्लेक्स एंड तो सारी फ्लेक्स आइटम्स जो है वो नीचे आ जाएंगी। ये देखिए, एक इसकी वैल्यू है सेंटर। ये देखिए, ये है सेंटर। अभी मैं इसमें आपको जैसे सेकेंड लाइन आइटम है, यहाँ पर हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पर हाइट बढ़ा दी, जैसे मैंने दे दी 100 पिक्सल। ये देखिए, इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अब मैं इसको अगर फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा या एंड करूँगा तो ये देखिए, ये एंड नीचे बेस से हो रहा है और स्टार्ट से टॉप से होगा। आप ऐसा सब कुछ करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर लगाने से ये सेंटर हो गया। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पर एक लास्ट वैल्यू है जिसका नाम है बेस लाइन। तो बेस लाइन कैसे यूज होती है, उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। पहले फॉन्ट साइज मैं सेकेंड वाले का दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दे दिया इसको 35 पिक्सल। ये देखिए, इसका साइज़ बढ़ चुका है। और मैं लास्ट वाले का जो साइज़ है, जो 41 है, उसका कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 11 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे तो सब सेंटर में हो रहे हैं, मगर अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेस लाइन। ये देखिए, बेस लाइन एक्चुअल में क्या करता है, जो टेक्स्ट के नीचे जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है टेक्स्ट की, वहाँ से अलाइनमेंट करता है। देखिए, चाहे छोटा है, चाहे फॉन्ट बड़ा है, चाहे जैसा मर्जी है, मगर जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे से हो रही होगी। यही बेसलाइन का मतलब है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था जस्टिफाई कॉन्टेंट, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया सेंटर, तो ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन है वो है रो। अगर मैं उसको यहाँ जाके कॉलम कर दूँ तो जो हमारा अलाइन आइटम्स का काम है वो उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, वो यहाँ पर इस तरह हॉरिजॉन्टली काम करने लग गई। अब मैं आपको यहाँ पर फ्लेक्स एंड लगा के दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट होएगी। ये देखिए, आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका क्रॉस एक्सिस अब उल्टा हो गया और मेन एक्सिस ऐसा हो गया। अगर मैं यहाँ जाके इसको सेंटर कर दूँ तो ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है कॉलम वाइज। अगर मैं इसको रो वाइज रखूँगा तो वो कुछ ऐसे काम करेगा, वर्टिकल टॉप वर्टिकल एंड में ऐसे काम करेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए नीचे। मगर अगर यही मैं यहाँ पर कॉलम कर दूंगा तो ये अब आपका हॉरिजॉन्टली काम करेगा। ये देखिए, और अगर अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू जैसे स्पेस बिटवीन दे देता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो जो उसकी वो स्पेस है वो आपके पास वर्टिकली आएगी, ना कि हॉरिजॉन्टली, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो हॉरिजॉन्टली स्पेस आती है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम कर दी है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, मगर अगर आप इसे प्रैक्टिकली एक दो बार यूज करेंगे फ्लेक्स अलाइन आइटम्स को और जस्टिफाई कॉन्टेंट को, तो आपको इजिली पता लग जाएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं डायरेक्शन के साथ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।